ये बात तो आपको भी अच्छे से पता होगी कि जब पूरी दुनिया में चाइना का फैलाया वुहान वायरस तेजी से फैल रहा था, उस समय भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों को आर्थिक गतिविधियां रोकनी पड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की नौकरियां गई, धंधा चौपट हो गया और हजारों लाखों लोगों को कड़े लॉकडाउन की वजह से अपने अपने राज्य वापस जाना पड़ा। इन सब की वजह से भारत की जीडीपी दुनिया के बाकी के मुख्य देशों के मुकाबले सबसे बुरी तरह नीचे गिरी थी, -23%। इस घटना को भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया था और भारतीय सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी और कहा था कि भारत में भारतीय सरकार को जरूरत से ज्यादा कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। खैर, ये आज के समय चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन तब के समय हालात कुछ और थे और वुहान वायरस अपने चरम पर था। वैसे ये मीडिया आउटलेट्स और अखबारों की गलती भी नहीं है। आज के समय नेगेटिव न्यूज और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में तेजी से फैलता है और उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होती है, इसीलिए ये लोग पॉजिटिव खबरें कभी भी पहले पन्ने पर नहीं छापते। आज के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है, जो ना ही ज्यादा चर्चा का विषय बनी और ना ही वायरल हुई। दरअसल पिछले महीने नवंबर को लेकर अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जो अपने आप में इतने चौंकाने वाले हैं कि ये चीज भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले कभी भी नहीं हुई। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि नवंबर के महीने में भारतीय मार्केट में FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कुल 62,951 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसमें से 60,358 करोड़ रुपए निवेश इक्विटी सेक्टर में किया गया था और 2,593 करोड़ रुपए डेब्ट सेगमेंट में किया गया था। ये आंकड़े 3 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच के हैं और अभी इसमें शुरुआत और अंत के 4 से 5 दिनों का आंकड़ा जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुल 62,951 करोड़ रुपए का निवेश किसी भी एक महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में इतिहास में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। नवंबर से एक महीने पहले अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कुल निवेश मात्र 22,000 करोड़ रुपए था, इसीलिए सीधा 22,000 करोड़ रुपए से लगभग 63,000 करोड़ रुपए का जंप काफी बड़ा माना जा रहा है, वो भी बिल्कुल एक ही महीने के अंदर अंदर। इसी के साथ आपको शायद ये याद होगा कि इस साल का मार्च का महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा था, क्योंकि उस एक महीने में भारतीय मार्केट से निवेशकों ने 61,973 करोड़ रुपए रातों रात निकाल लिए थे और सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल रेड जोन में चल रहे थे। ये चीज तो उस समय काफी चर्चा का विषय बनी थी और अखबार से लेकर न्यूज पोर्टल और मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स सब ने इसको कवर किया था। वो तो खैर उस समय कोरोना महामारी के कारण हुआ था, लेकिन जो स्पीड आज के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि भारत पहले से काफी तेजी से तरक्की करने वाला है और चाइना का फैलाया वुहान वायरस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म में श्राप नहीं वरदान साबित होगा, क्योंकि दुनिया भर के निवेशक चाइना से नाराज होकर उसके बदले भारत में दिल खोल के निवेश कर रहे हैं। और अगर फ्रांस, रशिया और यूके जैसे दुनिया के बाकी देशों को देखा जाए तो वहाँ पे आज के समय भी इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी निवेश नहीं कर रहे हैं। और गौर करने वाली ये बात है कि इतना ज्यादा निवेश भारतीय मार्केट्स में तब आ रहा है जब भारतीय सरकार ने चाइना के इन्वेस्टर्स पर कई तरह की रोक लगाई हुई है, और अगर वो इन्वेस्टर्स भी आ जाएं तो सोने पे सुहागा। वैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत में दो राय है। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना को भारत में इन्वेस्ट करने की छूट देनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं। खैर, आपकी क्या राय है, चाइना को भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करने की छूट देनी चाहिए या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।